लेकिन टैकल करना भी तो है ना। अभी कौन है बैटिंग कोच आपका? पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच कौन है? कौन बताएगा, कौन ट्यूनिंग करेगा? इस लेवल पे कोचिंग थोड़ी होती है, ट्यूनिंग होती है कि क्या करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है। माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तान की जो टीम है वो तो हर डिपार्टमेंट के अंदर फारिक है। बैटिंग इनकी गंदी, बॉलिंग इनकी गंदी, फील्डिंग इनकी गंदी, और कैप्टनसी तो मैं क्या ही बोलूँ ना, आप फ्री ना कैप्टनसी के ऊपर। सलाहियत है वो नजर ही नहीं आती। क्यों लगता है कि जैसे क्रिकेट खेलने भूल गए हो, मतलब जैसे बाबर आजम आउट हुए हैं, जैसे आते साथ रिजवान ने खेला बॉल, जैसे शान मसूद ने शॉट खेला, मतलब कोई जरूरत ही नहीं है। और जैसे अब्दुल्ला शफीक आउट हो रहे हैं, आप अपनी बॉडी से चारों की चारों बारियों में अगर आप अवे खेलते हुए आउट होंगे तो आप बॉलर को तो नहीं कह सकते ना। उन्होंने अटैकिंग अप्रोच यूज की, वो आए हैं ग्राउंड के अंदर, जिस बॉलर ने पिछली इनिंग्स के अंदर इनको आउट किया था उस बॉलर को रख रख के फेंडा उन्होंने मारा, इसको बताया कि दिस इज हाउ यू प्ले अग्रेसिव क्रिकेट। सकती है पाकिस्तान की बैटिंग पे क्या बंदा बात करे, मतलब जितनी बात करे उतनी ही शर्मिंदगी। अब तो ये डेली बेसिस पे हो गया, रोज उठो रोज जलील हो, रोज वापस चले जाओ, फिर अगले दिन उठो फिर जलील हो, फिर वापस चले जाओ। ये तो अब डेली बेसिस का पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लगा है। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग न्यू एनीमोर। जाकिर हसन, रिमेंबर द नेम जाकिर हसन, जिसने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानी बॉलर्स को अपडेट किया, 23 बॉलों के ऊपर 39 अगला मार के चला गया, 2 छक्के 2 चौके उसने मार दिए, आपकी बॉलिंग लाइनअप को एक्सपोज करके उसने रख दिया है। यहाँ पे ही ये सोशल मीडिया के फैन क्लब्स हैं जिन्होंने इनको बना दिया किंग, इनको ये कर दिया, फला कर दिया, ढंका कर दिया, और मजे की बात इन्होंने मान भी लिया और वहीं से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। दो हफ्तों में उन्होंने आपको, दो हफ्तों में वो दूसरा मैच भी हराने के करीब पहुंचे होंगे। हाँ, ये आफ्टर टी आए, कोई बहुत ही मैजिकल, कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कोई जादूगरी वाली कोई बात हो जाए तो हो जाए। 150 रन चाहिए, 148 टू बी एग्जैक्ट, 10 विकेट्स इन हैंड, और वो भी काफी अच्छी खासी सॉलिड लुकिंग बांग्लादेश, और जिनको बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट मिल गया। और है तो है क्या, दिमाग का इन्होंने दही करके रख दिया है। एक आता है दूसरा आउट होके जाता है, दूसरा आता है तीसरा आउट होके जाता है, ये कर तो कर क्या रही है, इतनी पुअर परफॉर्मेंस ये लोग दिखा रहे हैं, इतनी पुअर परफॉर्मेंस मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आपको शर्म नहीं आती यार, मतलब बांग्लादेश को 180 समथिंग चाहिए और उन्होंने 5 ओवरों में 35 के 37 ठोक भी दिया है इसी पिच पे। जिसी दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तान की जो टीम है वो तो हर डिपार्टमेंट के अंदर फारिक है। बैटिंग इनकी गंदी, बॉलिंग इनकी गंदी, फील्डिंग इनकी गंदी, और कैप्टनसी तो मैं क्या ही बोलूँ ना, आप फ्री ना कैप्टनसी के ऊपर। पाकिस्तान ने 184 का टारगेट दिया बांग्लादेश को, कहीं ना कहीं दिल को ये था कि एकदम से बादल आ गया, वह तेज हवाएं चल रही हैं। अगर बांग्लादेश के बॉलर्स को ये मदद मिली है, हमारे बॉलर्स भी दम रखते, इन्होंने 26 में 6 आउट किए थे, ये बांग्लादेश को पकड़ लेंगे ऊपर ऊपर से नहीं, लेकिन दिल में कहा कहीं ख्याल था कि नहीं, पाकिस्तान के जो बॉलर है ना ये दम रखते, ये पकड़ लेंगे बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को, ये हमारा ख्याल ही था। बांग्लादेश की टीम जो है ना, वो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड के माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने अटैकिंग अप्रोच यूज की, वो आए हैं ग्राउंड के अंदर, जिस बॉलर ने पिछली इनिंग्स के अंदर इनको आउट किया था उस बॉलर को रख रख के फेंडा उन्होंने मारा, इसको बताया कि दिस इज हाउ यू प्ले अग्रेसिव क्रिकेट। जाकिर हसन, रिमेंबर द नेम जाकिर हसन, जिसने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानी बॉलर्स को अपडेट किया, 23 बॉलों के ऊपर 39 अगला मार के चला गया, 2 छक्के 2 चौके उसने मार दिए, आपकी बॉलिंग लाइनअप को एक्सपोज करके उसने रख दिया है। यहां पे बांग्लादेश के बॉलर विकेट्स ले रहे थे, उनको मदद मिल रही थी पिच से, वहां पे हमारे बॉलर्स को फेंटा लग रहा है। अगर बारिश ना आती आज, अगर बैड लाइट ना होती, तो मैं आपको बता रहा हूं आज बांग्लादेश में चेस कर जाना था, अंपायर ने उनको आधा घंटा और भी दे देना था, उन्होंने आज चेस कर जाना, मैं आपको बता रहा हूं 42 तो वो कर गए थे। अभी 2 घंटे का खेल पड़ा हुआ था भाई साहब, 2 घंटे का खेल पड़ा हुआ था, टी के बाद कम से कम 2 घंटे का खेल होता है, तो 2 घंटे में उन्होंने मार देना था 140 जिस स्पीड से वो खेल रहे थे। पाकिस्तान ने तो खीर ही कर दी, इतनी बुरी बॉलिंग, बैटिंग तो गंदी कर कर आए हैं, और भाई बॉलिंग में तो जोर लगा लो, पेस ही नहीं है इनके पास, और सबसे बढ़िया। लेकिन किसी वजूहात की वजह से मैच जो है अभी वो स्टॉप हुआ है, कह रहे रोशनी कम है या बारिश के इम्कान है, अब देखना यह है कि कितनी जल्दी हम आउट होते हैं निकलते हैं गेम से। क्यों मीरब, मतलब जितनी बात करे उतनी ही शर्मिंदगी। अब तो ये डेली बेसिस पे हो गया, रोज उठो रोज जलील हो, रोज वापस चले जाओ, फिर अगले दिन उठो फिर जलील हो, फिर वापस चले जाओ। ये तो अब डेली बेसिस का पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लगा है। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग न्यू एनीमोर। पाकिस्तान इज डिसअपॉइंटिंग नॉट ओनली देयर फैंस बट देमसेल्फ। आज आता जाता था कि बाबर आजम से बड़ा ग्रेटेस्ट बल्लेबाज नहीं, मैंने पिछली वीडियो में लिख दिया बाबर आजम कंपनी फेल सके, तो लोगों को बुला लगता है कि नहीं शान इन कंपनी है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर कहेंगे भाई
ग्रेटेस्ट एवर दैट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, इससे बड़ा तो कोई आया ही नहीं, इससे बड़ा तो कभी आएगा ही नहीं, अब रखो यही है कंपनी, यही है सरबरा, यही है हेड सबके, यही है सबके सरपंच, यही है सबके चौधरी, यही है सबके किंग, अब बर्दाश्त करो, क्योंकि यही ये सोशल मीडिया के फैन क्लब्स हैं जिन्होंने इनको बना दिया किंग, इनको ये कर दिया, फला कर दिया, ढंका कर दिया, और मजे की बात इन्होंने मान भी लिया और वहीं से इनका डॉल्फो शुरू हुआ। इतनी कोई फ्रॉड किस्म की टीम है, इस टीम का कोई हिसाब नहीं है, इस टीम को क्रिकेट खेलना बिल्कुल नहीं आती, इस टीम को मतलब जलील होना आता है, चाहे वो कोई भी दुनिया की टीम ले हो। हम वो टीम है जो सर बांग्लादेश से खेल जाते हैं, हम वो टीम है जो जिम्बाब्वे से खेल जाते हैं, हम वो टीम है जो श्रीलंका से खेल जाते हैं, हम वो टीम है जो वर्ल्ड कप में यूएसए से खेल जाते हैं। अब मेरा घंटे का किंग निकला पायर, आपके घंटे ने आज क्या किया है, क्या किया बाबर आजम ने आज, क्या करके गया बाबर आजम, क्या परफॉर्मेंस आज बाबर आजम की, 11 रन, फिर 11 रन, इस 11 रन के लिए वो टीम में खेल रहा है, इस 11 रन के लिए वो घंटा टीम में खेल रहा है, मुझे बताओ ना, नहीं इस 11 रन के लिए वो घंटे का किंग, वो मेरे घंटे का किंग इस 11 रन के लिए टीम में खेल रहा है, या व्हाइट वॉश। आप भी ये सोच रहे हैं, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान ये दूसरा जो टेस्ट मैच है इसका क्या फ्यूचर होगा। साफ है कि अगर मैच हुआ, और जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि होगा ऑफ कोर्स, तो शायद लंच ब्रेक तक खा भी जाएंगे बांग्लादेशी बैटर पाकिस्तानी बॉलर्स को, और पाकिस्तान पहली मरतबा अपने घर के अंदर बांग्लादेश के हाथों टेस्ट सीरीज हार जाएगा। इससे पहले हम वनडे सीरीज तो हारे हुए हैं, वो बांग्लादेश के घर जाके हम हारे थे, ये यहाँ पे हमने मेहमान नवाजी की और यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज भी हार रहे हैं। 42 रन किए हैं 7 ओवर में, 6 की इकोनॉमी बनती है, और जाकिर जैसे खेल रहे हैं उन्होंने तो पाकिस्तानी बॉलर को मजाक बना दिया है। 134 की स्ट्राइक रेट के साथ टेस्ट मैच खेल रहे हैं वो, उस पिच के ऊपर जहाँ पर हमारे दिग्गज बल्लेबाज घबरा रहे थे, जिनके बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने हमारे कदम लड़खड़ा रहे थे, वो उसी पिच के ऊपर उसी नई बॉल के साथ हमारे वर्ल्ड बेस्ट बॉलर्स के सामने इस तरह खेल रहे हैं। वर्ल्ड बेस्ट मैंने इन्वर्टेड कोमा में कहा है, क्योंकि अब ये मजाक बन गया, अब लोग मजाक लगाते हैं कि भाई नंबर वन है ये पाकिस्तान के बॉलर्स क्या, क्योंकि आपको जो देश आता है, आप घर में खेल रहे हो, आप बाहर खेल रहे हो, आप आईसीसी इवेंट में खेल रहे हो, हर वो टीम जिसको दुनिया छोटी टीम मानती है वो आपको अच्छे खासे आपके बॉलर्स की धुलाई करके निकल जाती है। खैर बैटर्स भी कुछ खास जादू नहीं कर रहे हैं, अब सीन ये है कि पाकिस्तान को नहीं, सीधी सी बात है बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए महज मुझे लगता है कि लंच तक खेलना पड़ेगा और ये सीरीज उनके नाम हो जाएगी। अब देखिए 26 पे 6 आउट थे बांग्लादेश के, पाकिस्तान के 81 पर 6 आउट थे, दूसरी तरफ उनके लिटन दास खड़े थे, आपके मोहम्मद रिजवान खड़े थे, मैं कीपर टू कीपर और उनके भी मेन बैटर हैं, हमारे भी मेन बैटर हैं, उधर से मेहदी मिराज खड़े थे, आपके सलमान आगा खड़े थे, ठीक है सेम, मगर वहां देखें 26 से 6 के बाद वो 262 तक लेके गए, और आपने क्या किया, और आप अपने घर में खेल रहे हैं, और हमें ये गुमान है कि हमारे बॉलर उनके बॉल के निस्बत ज़्यादा बेहतर हैं, और आप देख लीजिए क्या हुआ है। उधर से राणा जी हैं वो माफ़ी नहीं कर रहे हैं, बांग्लादेशी बॉलर जो हैं 150 वाली पेस के साथ बॉल कर रहे हैं, हम तो हम अपने नेट के अंदर 150 वाले बॉलर खेले, आई डोंट नो कि अब क्या हो रहा है, रावलपिंडी की पिच के ऊपर हमसे बांग्लादेशी बॉलर नहीं खेले जा रहे हैं, और हमारे जब बॉलर बॉल करते हैं, अब खुरम शहजाद जो पहली इनिंग में तगड़ी बॉलिंग की, इस बार उन्हीं के ऊपर अटैक किया, ये सबसे खास बात है। और एक और बात याद रखने की कि अब्रार अहमद ने अभी तक एक विकेट नहीं ली है, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि बड़ा शोर मचा के अब्रार अहमद को खिलाया जाता तो रिजल्ट डिफरेंट होता। तो आप देख लीजिए अभी भी सलमान आगा भी बॉल कर रहे हैं, अब्रार भी बॉल कर रहे हैं, आपका स्पिन डिपार्टमेंट की वजह से अब आपको ये टाइम देखना पड़ा, क्योंकि आपको कम से कम 100 रन की लीड लेनी चाहिए थी पहली इनिंग में, आपके बॉलर्स ने शुरू में अच्छी बॉलिंग की है, मगर मिड ऑर्डर बॉलर्स ने आकर यानी स्पिन डिपार्टमेंट आता है वहां पे सब फारिग हो गए अभी बहुत से। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा पाकिस्तान मीडिया कितना भड़के हुए है अपने टीम के परफॉर्मेंस पर, पहले टेस्ट मैच में एक शर्मनाक और बड़ी हार मिली थी पाकिस्तान को, वो भी 10 विकेट से हार, टेस्ट मैच में बहुत बड़ी हार मानी जाती है, वो भी बांग्लादेश जैसी टीम के सामने। उसके बाद पाकिस्तानी ये सोच रहा था दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान कमबैक करेगा, लेकिन पाकिस्तानियों की नसीब में सिर्फ बेइज्जती लिखा है क्रिकेट में। दूसरे टेस्ट मैच में 107 पे 1 के बाद 274 पर आउट हो जाती है पूरी पाकिस्तान टीम, उसके बाद 26 पे 6 के बाद 262 रन करवा देती है बांग्लादेश को, और दूसरे इनिंग्स में तो हालत ही खराब है पाकिस्तान की। पाकिस्तान टीम की ऐसी परफॉर्मेंस देख के खुद पाकिस्तान मीडिया ये अपील कर रहा है आईसीसी को कि पाकिस्तान से टेस्ट कैप छीन ली जाए, और क्यों ना करे, पिछले 4-5 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट इतनी नीचे जाती रही है, पहले अफगानिस्तान से हारा, आयरलैंड से हारा, यूएसए से हारा, और अब बांग्लादेश से हार रही है पाकिस्तान टीम।